नगर परिषद की सभापति संजना देवी ने 1200 से अधिक छठ व्रतियों के बीच किया साड़ी का वितरण। अब समाचार विस्तार से। नगर परिषद बनवंखी के सभापति संजना देवी द्वारा अपने निज आवास पर गुरुवार को छठ व्रतियों के बीच साड़ी वितरण का कार्य किया। इस अवसर पर सभापति श्रीमती देवी ने संबोधित करते हुए कही कि लोक आस्था का महा छठ पर्व समाज में स्वच्छ सुखी स्वस्थ संपदा की कामना को लेकर मनाया जाने वाला पर्व है। इसमें प्राकृतिक संरक्षण के साथ साथ सूर्य मंडल के प्रति आस्था व सामाजिक सौहार्द का वातावरण परिलक्षित होता रहा है। इन्होंने मौजूद व्रतियों सहित नगर वासियों को आपस में मिलजुल कर आपसी भाईचारे के साथ आस्था का महापर्व छठ मनाने का आग्रह किया। मौके पर सभापति श्रीमती देवी के द्वारा विभिन्न वर्गों के 1200 से अधिक छठ व्रतियों के बीच साड़ी का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष नरेश यादव, समाजसेवी मोहम्मद शकील, आरजू हक, ठाकुर रंजीत सिंह, वार्ड पार्षद सूरत कुमार मंडल, अंजू देवी, लता देवी, शंकर कुमार सुमन, रुपेश कुमार यादव, श्यामानंद यादव, कमलेश्वरी राम इत्यादि मौजूद थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में नगर कर्मी मनोहर प्रसाद गुप्ता का सराहनीय भूमिका रहा। आप देख रहे हैं आवाज आपका 24 और आपके साथ है MS परदेसी। वीडियो के आखिरी तक बने रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका, आपके साथ है MS परदेसी। बनमनखी अनुमंडल में ही हम नगर परिषद क्षेत्र में और खास करके अध्यक्षा महोदय के निवास स्थान पे हम हैं। शायद इससे पहले छठ के मौके पर इस तरीके का कार्यक्रम नहीं किया गया था, लेकिन आज हर वार्ड से हर छठ व्रती को बुला करके साड़ी वितरण करना यहाँ के लिए सौभाग्य की बात है। जो यहाँ के आवाम हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनके लिए आइए हम जानते हैं कि किस तरीके से इनको मिला है और कैसे मिला है। इससे पहले कभी मिला था कि नहीं आपको? आपको साड़ी मिला? हाँ साड़ी मिला। अच्छा, पहले इससे पहले छठ में आप लोग को साड़ी मिला था कभी? नहीं मिला था। नहीं, आज आप लोग को मिला है। हाँ। कौन दिया है ये साड़ियाँ? कौन दिया है साड़ी? दिलकर नगर परिषद सभापति दिलकर। हाँ, सभापति संजना देवी। हाँ। एना खुल के बाजबे तब। हाँ। है के दिलकर साड़ी संजना देवी? एकरा से पहले कहियो छठ महीना मिलल रहा? कभियो नहीं, कभी ना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि इससे पहले कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं हुआ जिसमें कि छठ व्रती को साड़ी दिया गया हो, और आज ये लोग खुश हैं कि हमें साड़ी मिला है। और ख़ास करके ये जो आस्था भरी पर्व छठ है, इसमें साड़ी लेकर के खुशी खुशी घर जाना और सारा चीज को देखते हुए। साड़ी मिला आपको? हाँ। है नाबू? है नाबू के दल के साड़ी यहाँ का? नरेश बाबू। नरेश बाबू। हाँ। अच्छा अच्छा, एकरा से पहले छठ के मौका पर कोई और आदमी, कोई और सभापति जे रहे, उ दलकै रह कहियो? हां दला छे। के दला छे? हां दे लेना रहे। अच्छा अच्छा, दलकै रहे ना। हां, लेकिन आय कोना एतेक भीड़ में बोला के ना के दे रहे, या फिर एक एक करके बोला के दे रहे? ना, एक एक करके बोला के दे रहे। ए भीड़ में एना तरह नहीं दलकै कहियो? जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से साड़ी वितरण का कार्यक्रम कहीं ना कहीं एक आध बार पहले हुई थी, लेकिन इस तरीके से वार्ड में सारे वार्ड के लोगों को जो छठ करती हैं उनको ले करके एक जगह करके सारे वितरण का कार्यक्रम किया गया। अभी जो देख रहे हैं आप, जो भीड़ है, ये भीड़ को देखते हुए ये पूजा आस्था की बात है। ये सारी चीज़ हम और दिखाएंगे आपको, और ख़ास करके यहाँ के जो सभापति हैं उनसे भी बात कराएंगे आपको हम, और वो सारा चीज़ हम दिखाएंगे कि क्यों छठ में ये साड़ी वितरण किया जा रहा है और लोग कितने लोग ये साड़ी लिए हैं, ये सारा चीज़ दिखाते हैं। बने रहिए आप मेरे साथ, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका 24 और आपके साथ है MS परदेसी। किस अवसर पे आज ये साड़ी वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं? क्या इसमें राजनीति कारण है क्या, कि आगे और भी आप पब्लिक को लुभा रहे हैं? देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, ये आस्था का पर्व छठ पर्व है, गरीब वर्ग के लोग के हम थोड़ा सा मदद कर रहे हैं। हम बनमनखी नगर परिषद में काम करेंगे और काम करके जनता को दिखाएंगे। अभी जो छठ का जहाँ जहाँ घाट लगा है, क्या आप वहाँ का दौरा किए थे? हाँ किए हैं। अभी तक में क्या पोजीशन है छठ घाट का, क्या पोजीशन है और आगे क्या होना है छठ के लिए? साफ सफाई का काम हो गया है, लाइट का व्यवस्था भी हो गया है, छठ व्रती खुशी से पर्व मनाएंगे। क्या शुभकामनाएं देंगे?
छठ व्रती को हार्दिक शुभकामना देती हूँ।